देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की तैयारियां हो रही हैं और दुनिया भर में आज ईद उल अज़हा मनाई भी जा रही है, लेकिन इस ईद के मौके पे एक बार फिर से जो तासुरात देखने में आ रहे हैं, जो कुछ इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, वो माजी से ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि माजी से ज़्यादा बदतर हो चुकी है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में हर साल जब ईद आती है तो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस उम्मीद के साथ अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है कि शायद जो कुछ माशरे में हो रहा है वो और उसके अहले खाना इससे शायद बच सकें और उसके असरात उस तक ना पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप हर साल जब ईद का वक्त आता है तो कभी पाकिस्तान में या बिलखसूस में शहर कराची की बात करूं तो लूट मार देखने में आती है, कभी महंगाई उरूज पे नजर आती है, और इस बार की अगर बात करें तो ईद कुर्बान तो आई, आज चांद रात है और आज भी बहुत से लोग अपनी पसंद का जानवर लेने मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहनों में यही है कि क्या उनकी जेब इस बात की इजाजत भी देती है कि वो इस साल सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर अमल करके कुर्बानी जैसे फरीजे को अदा कर सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जिस अंदाज से हालिया दिनों में महंगाई बढ़ी, हुकूमतों ने दावे किए लेकिन इसके बावजूद कुछ ना हुआ, इन सब के बाद अब क्या होगा? पाकिस्तान में ये मौजूदा महंगाई क्या किसी तौर पे कम हो सकेगी या नहीं? और ये बात मैं नहीं कर रहा, खुद स्टेट बैंक की जानिब से जो दो रोज पहले शरह सूद में इजाफा किया गया, 22% तक ये शरह सूद को पहुंचा दिया गया, ये इस बात की तरफ खुली अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बेकाबू हो चुकी है। क्योंकि आज अगर खत्ते की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी के एतबार से शायद दूसरे नंबर पर नजर आता है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो ईरान है, जो कि बहुत से सैंक्शंस और बहुत से मामलों से ऑलरेडी गुजर रहा है, अगर उससे मुआवजना ना किया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त खत्ते में नंबर वन पर आता है महंगाई के हवाले से। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से हालात अब काबू में नहीं आ पा रहे? एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और सियासी अशराफिया सिर्फ और सिर्फ इस बात के पीछे गामजन नजर आती है कि किसी तौर से उनके सियासी कायदीन को रिलीफ मिल जाए और उनकी वतन वापसी हो जाए या फिर उनके लिए राय हमवार हो जाए। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए शामिल हैं आमिर एहसन खान साहब, जो कि एक रेनाउंड फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्टअप्स के हवाले से एक बड़ा नामवर है पाकिस्तान में। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे सलीम साथियानी साहब, जो कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से सोशल एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर बहुत काम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे वीनस स्ट्रेटजी चैनल पे एक बड़े जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं जिसको आप हमारे चैनल पे देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे देखते हैं। हमारे साथ सलीम साहब भी मौजूद हैं और साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल हमीद साहब, जो कि एक रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका ताल्लुक वैसे तो शिपिंग लाइन से, शिपिंग इंडस्ट्री से, लेकिन सोशल एक्टिविटी के हवाले से भी ये काफ़ी ज़्यादा हमें चार्जअप नज़र आते हैं। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक महंगाई है, कोई नई बात नहीं, आपने तो माशाल्लाह जिंदगी का एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में बिजनेस को बनाने में, ग्रो करने में गुजार दिया, व्हाट्स रॉन्ग राइट नाउ? आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो मामला है वो क्यों इतना हाथ से बाहर होता नजर आ रहा है? देखें, अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन जो पाकिस्तान की बात करें और उसको कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड, तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, एक तो उसमें रप्ट नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरी, हमारे यहाँ बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इकॉनमी को सस्टेनेबल इकॉनमी या ग्रोथ की तरफ नहीं लाते। हमारा जीडीपी देख लें, हमारे कर्ज़ों की शरह देख लें, और उसमें जहाँ हमारा अपना ताल्लुक है या हमारा अपना सेटअप है, वो उसको हम इस तरह से लेके जा रहे हैं कि हम खुद हर साल हर 5 साल के बाद ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको मुल्क से ज़्यादा अपनी फ़िक्र होती है। इस सिलसिले में जो बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जाएं, पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तेआत दी है वो कॉमन लोगों के लिए काम करें, हम इस तरह से आगे बढ़ना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। और आपने अभी बकरीद की भी बात की, तो बकरीद में जिस तरह से लोग क़ुरबानी के अंदर और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका एक पूरे दो तीन साल के अंदर उनका एक जानवर होता है, उसको खिलाना पिलाना रखना एक बहुत लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया भर में लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के ऊपर काम होता है, रिसर्च होती है, वहाँ पे आरएनडी का एक शोबा है जो के काम करता है।
हमारे यहाँ आज भी लाइव स्टॉक का जो शोभा है वो इतना जबूहाली का शिकार है कि आज भी हमारे पास उसी तर्ज पे जानवरों को की परवरिश की जाती है, उनकी पॉपुलेशन के हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। क्यों हम इतना पीछे रह गए कि आज एक आम आदमी के लिए कुर्बानी जैसा फरीजा भी मुश्किल हो चुका है? देखें, ये सारी हमारी जो हमारे ज़मींदार और हमारा जो टॉप लेवल का जो इलीट कैप्चर जिसे कहना चाहिए, उन्होंने इस जिस तरह से और बहुत सारी हमारी सनतें इसको भी कैप्चर किया हुआ है। इनके पर्टिकुलर इन्हीं के पास जानवर हैं, इनके पास पूरे जानवरों को रखने के लिए और वो सारी फैसिलिटीज़ इन्हीं के पास है। लाइफ स्टॉक में डेवलपमेंट या आप अगर आप कंपेयर करें तरक्की याफ्ता मुल्कों से, तो हमारे पास कोई रिसर्च का नहीं है। और इसमें भी रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं, उनका अपना काम नहीं है। फिर हमारे पास रिसर्च जैसे आपने किया उसके लिए नहीं, उसके भी नहीं है। लेकिन सलीम भाई, मैं आपसे भी तरह इस पर पूछना चाहूँगा, आप तो मासेस से कनेक्टेड हैं, आप तो माशाल्लाह खुद बड़ा ज़बरदस्त शो भी करते हैं, ज़रा मुझे ये समझा दें कि दुनिया भर में जो हम हर बार ये बात करते हैं कि कोई इवेंट आता है वहाँ पर एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाता है, पाकिस्तान में हर साल की तरह, हर इवेंट की तरह जब भी कोई इवेंट आता है तो हम महंगाई पैकेज अनाउंस करते हैं। लाइव स्टॉक का जो शोभा है, आज हम ईद कुर्बान की बात कर रहे हैं और आज मैं नाज़रीन को बता दूं कि दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। किस जगह पे हम खड़े हैं? ये कोई क्या कोई हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई कोई पॉलिसी है, कोई थिंकिंग है, कुछ है हमारे यहाँ पे आपको नजर आ रही? सबसे पहले तो मुनीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, और चांद रात के हवाले से कल ईद कुर्बान है और सुन्नत इब्राहिमी की तरफ सब मूव करेंगे और जो फरीज़ा है उसको तो सारे ऐसे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की कि हमारे यहाँ पे ये सारे सिस्टम्स के हवाले से दुनिया के तमाम ममालिकों को देखोगे तो उनके सारे के सारे सिस्टम बना हुआ उनके पास, वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको सेटअप करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि वो हमेशा जो है कोई एक ऐसा प्लान नहीं है, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप कराची के हवाले से गुफ्तगू कर ले, अगर पाकिस्तान के अलावा, तो मंडी के हवाले से भी आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले 10 दिन पहले जो एक नफसा नफसी का आलम था कि इस मंडी के अंदर जानवर आएंगे और फिर मंडी तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था, उसमें डकैतियों के भी सारे मामलात थे। और फिर इसके बाद आप ये देखें कि इस कारोबार को, हालांकि सुन्नत इब्राहिम के हवाले से जिस तरीके से दुनिया के हर ममालिक के अंदर डिस्काउंट होता है, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे लोग लूटने वाले की पोजीशन के अंदर आते हैं। मतलब आप एक आम से बंदों को भी देखेंगे ना, तो वो भी इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गया। वो कहता कि यार मैं भी 10 जानवर ले लूँ और 10 जानवर बेच के इतना कमा लूँगा और इस तरीके से करेंगे। जब ये सोच आपकी इस तरह डेवलप होगी कि हमें जो है कमाना है, हमें जो है किसी को देना नहीं है, मतलब ये सोच को हमें जो है ना चेंज करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो है सियासी लेवल के ऊपर अगर कोई देखे तो उसको हुकूमत मुझे बताया ना, ओवर द ईयर्स हमने तो फेलियर ही देखा ना, हमने तो यही देखा कि हर गुजरता साल पिछले साल से कड़ा था, आज जिस महंगाई की हम बात करें वो माजी में तमाम तरफ सालों के मुकाबले बे इंतहा ज्यादा नजर आती है। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त पॉलिसीज नजर आ रही हैं, जो कुछ इस वक्त अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, ऐसे ही नजर आ रहा है कि शायद आने वाला जो साल होगा उसमें इस साल को हम अच्छा कह रहे होंगे और अगले साल को हम कह रहे होंगे अब बहुत महंगाई है। अच्छा मनीष भाई, देखिए अक्सर मैं भी प्रोग्राम करता रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मेहमान भी शामिल हुए, मैं उनसे अक्सर एक ही सवाल करता हूँ, हम जो है ना लफ्ज़ों की सियासत से बिल्कुल निकले, क्योंकि हम सबसे ये कहते हैं कि होगा कैसे, करेगा कौन। मैं कहता इस चीज़ को करेगा कौन, हमें उस चीज़ को ढूंढना है कि हमें कि करवाएगा कौन। मतलब अगर मैं कहूँ कि यार ये सारी चीज़ें, तो सिस्टम को लेकर कौन आएगा? अगर कौमी असम्बली की बात करें, अगर हम सारी जगहों की बात करें, तो उसके अंदर भी अगर सेनेट के अंदर कोई बिल पास होता तो उसको उसके ऊपर अमल पैरा कौन होगा? हुकूमत करेगी, कौन करेगा? सबसे पहले हमें उसको ढूंढना है जो करने वाला है, वो करने वाला कौन होगा, इसका अगर जवाब मिल गया तो बिल अवामी मफाद के हैं तो अवाम को ही इसको बिल को बनाना पड़ेगा, तभी अवाम इसको कर सकेगी। अगर बिल ही ऐसे अपने जाती मफादात के बनाए जाएंगे तो फिर वही जात तक महदूद रहेंगे जिनके लिए सब डिजाइन किया जाए। लेकिन फैसल साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे बताएं आपने पिछले साल दो साल में जब ये सफर शुरू किया, क्या आपने देखा कि कहीं की उतनी बेहतरी आई? क्योंकि इस वक्त कराची की मैं बात करूं, आप कराची से एक बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे सर ये समझाए ना कि ओवर द ईयर्स कराची में इतनी बड़ी चैरिटी होती है, इसके बावजूद हालात नहीं बदल रहे। हमारे यहाँ पे दस्तरखान लगे, हमने चैरिटी का काम देखा, इस उम्मीद के साथ देखा कि चलो ये वक्ती फेज है, आज इसको मिलके संभाल लेंगे तो ये गुजर जाएगा।
लेकिन हर गुजरते साल के साथ इसमें इजाफा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। आज कुर्बानी एक ऐसा फरीजा है जिसमें बड़े तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और जब जिस घर में जानवर कुर्बानी का हो वो घर की रौनक अलग होती है, जिस घर में कुर्बानी का जानवर ना पहुंचे और बच्चे जिस हसरत भरी निगाहों से उन जानवरों को देख रहे होते हैं, मुझे तो नहीं समझ आता कि हम इन बच्चों को आगे चल के कैसे बेहतर पाकिस्तानी बना सकते हैं, इनका मुस्तकबिल कैसे बेहतर बना सकते हैं, इनको कौमी धारे में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि कल ये सवाल पूछेंगे, ये बदला लेंगे हमसे कि हम इंतजार कर रहे, आप एक तरफ अशराफिया थी जिसको आपने 22% शरह सूद दे दी, वो इजाफे उसकी दौलत में इजाफा हो रहा है, और आज हमारी दौलत में हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहां जाएं, सवाल तो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। असल में यहाँ पे आके बैठ के बात करने का मतलब यही होता है कि जो हम काम कर रहे हैं और जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और जो जो चीज़ें अपने सामने आती चली जा रही हैं वो लोगों तक जाए और अवामी बात जाए, इसमें कोई सियासत ना हो और उसमें कोई मुनाफिकत ना हो, तो हम कोशिश यही होती है। अब आपका सवाल है, बात असल में ये है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें समझ लें कि ये जितनी भी फलाही काम है, जितने भी चैरिटी के काम हैं, ये जितने भी सामाजिक काम हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फ़र्ज नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के अपने नाम के ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब आप मुसलमान होते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप कलमा पढ़ते हैं तो इंसानियत का जो दर्स है ना, सबसे पहले इस्लाम ने जो है ना उसको सबसे ऊपर फोकियत दी हुई, तो वो हिसाब से आप ये काम कर रहे होते हैं। ये काम करने की जिम्मेदारी है ना बॉस, वो है हुकूमत की, रियासत की, स्टेट की, ठीक है ना। आप कितना भी काम कर लें, आप करोड़ों का काम कर लें, अरबों का काम कर लें, लेकिन जो काम हुकूमत करेगी ना वो बहुत अच्छा बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारी फैसिलिटीज होती हैं, सारे टूल्स होते हैं। अब आ जाते हैं यही लोग जो काम कर रहे हैं, क्यों भलाई नहीं हो पा रही, क्यों सही नहीं हो पा रहा, चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक राशन जो पहले 2500-3000 रुपए का, 4000 रुपए का लॉकडाउन में था मुनीर भाई, आज वो 8000-10000 रुपए में चला गया है। सही, ठीक है। अब महंगाई बढ़ रही है, कौन फेस कर रहा है, जो कार्य घर में काम कर रहा है, इंसानियत का काम कर रहा है वो फेस कर रहा है, लेकिन अब कहां से कर रहे हैं, अपनी हलाल लोधी में से। कोई भी सरमायादार है, कोई भी साहिब इस्तेदाद है, फिर आप उसको काम भी नहीं करने दे रहे हो, सही, टैक्सेस उसके ऊपर लगा रहे हो, उसको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, कहीं कोई चीज उसको यानी कुछ नहीं दे रहे हो, फिर भी वो कार्य कर रहा है, 4000-10000 का राशन दे रहा है, सब चीजें कर रहा करा रहा है, तो किस तरीके से आप मुझे बताएं ना बेहतरी आएगी। आप जो इन काम करने वालों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, चले ये तो उसका अपना जाती फेल है ना, आप लेकिन फैसला मुझे ये बताएं ना, ओवर द इयर्स आप मुझे इस तरह बता दें कि जो सूरत हाल हम देखें, बड़े पैमाने में कराची में चैरिटी होती है, मैं पूरे पाकिस्तान की आज बात नहीं कर रहा, मैं शहर कराची की खाली बात कर लेता हूँ, इतनी बड़ी चैरिटी यहाँ पे होती है, इतने सारी एनजीओज हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और पर्सनल कैपेसिटी में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आपने कहीं कोई कमी देखी कि नहीं, कहीं कोई बेहतरी आई हो? आज इस दस्तरखान पे 100 लोग बैठते थे तो आज कल 100 बैठते थे तो आज 50 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसा आपको कहीं नजर आया? अरे इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, पहले इंडस्ट्री चल रही थी, ठीक है ना, महंगाई थी, ठीक है ना, आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, आज आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हो, डेड हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले अगर 100 बंदा बैठ रहा था वो कौन था, बेरोजगार था, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, ठीक है, बाकी तो काम कर रहे थे, सही। अब आपने इंडस्ट्री बंद करी, आपको खुद को बताएं बिल्कुल सही, कौन कौन सी इंडस्ट्रियां आपके टेस्ट पे मौजूद है, सही है, ठीक है। अब उनमें से जो भी लोग अपने के अंदर में बेरोजगार हुए वो कहां जाएंगे, 100 से बढ़ गए 200 हो गए, बात ये है उस तरफ मूव होना शुरू हो गया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि दस्तरखान की तरफ बढ़े, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत अच्छी चीजें दस्तरखान की तरफ बढ़े आजकल हालात जो चल रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन कई अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो लोग नौकरियां करते थे, जो लोग काम करते थे, अब उन्होंने एक जहन के अंदर एक खाका बिठाया हुआ है कि यार मुझे 12 बजे के बाद खाना मिल जाएगा
शाम को 6 बजे के बाद खाना मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं है, बस अपनी उसके अंदर घूमते पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है हमारे यहाँ पे, मुझे पता नहीं, मैं अग्री करता हूँ, देखिए दोनों पहलू है हमारे यहाँ पे, माजहब के साथ हमने हमने अच्छी से अच्छी चीज में से भी बुरे से बुरा पहलू निकाल लिया, ये हमारा फन है। मैंने रमजान के ऊपर सलीम भाई, मैंने रमजान के ऊपर थ्रू आउट यही प्रोग्राम किए, ठीक है ना, अपने यानी कि यूट्यूब के ऊपर मैंने खास तौर पे जाके जहां जहां दस्तरखान लग रहे थे, बड़े बड़े लोगों के भी, छोटे छोटे लोगों के भी, वहां पे मैंने उनसे पूछा भाई कहां से आ रहा है, कहां से खिला रहे हो, क्या चीजें करा रहे हो, ये भी लोगों को बताया, और जो वहां पे बैठे हुए थे उन लोगों को बताया, बताया ना, वो चोटाकू थे ना, वो कोई अपने कहना में कोई इस तरह के थे के तफरीन खा रहे हो, वो कौन लोग थे जिनकी तनख्वाहें 15-18-20 हजार exactly, और वो अपने दो वक्त खाने का जो पैसा है, मेरे मेरे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब देखो ना, आप अगर इंसान अच्छी की तरफ भी जाए और नेगेटिव सारी चीजें लेकर आप चलोगे तो वो सारी चीज आएगी ना। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने कहीं किसी को पूछा 15 हजार, कहीं ऐसे भी पूछो जो पूरे पूरे महीने काम भी नहीं करते और उन्होंने पूरा जो पूरा भी आज मैं बड़ी तलख बात भी कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो एक मखसूस एरिया ही चुना गया है कि इस एरिया के अंदर वही 15 लोग बैठे हुए और कोई दूसरे एरिया की तरफ मूव नहीं हुआ। सर हमारे ये है, ये लाइव की बात कर रहे हैं, अच्छा कराची में काम कर रहा हूं, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, जरा बात करेंगे जो बजट पेश किया गया। इस बजट में जो कुछ पहले प्रपोज किया गया, फिर जिस अंदाज से इसको पास करवाया गया असेंबली में, अब इसके ऊपर बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं, ये एक बिल की शक्ल तैयार कर चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या तब्दीलियां हुई, इस तब्दीलियों से क्या मुल्क में कोई मुस्बत रुझान पैदा होगा या नहीं, या फिर इससे मजीद बिगाड़ पैदा होगा, और इसके नतीजे में IMF का जो मुआहदा है क्या वो एक बार फिर से रिज्यूम हो सकेगा या नहीं, इसको बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का था सर। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान में महंगाई तारीख के उरूज तरीन मकाम पर नजर आती है, शायद इस तरह की महंगाई हमारे बुजुर्गों ने ना कभी देखी, ना सोची, ना समझी, ना तस्वुर की। आज जिस अंदाज से पाकिस्तान में महंगाई की शरह है उसको एक आम अंदाज में कह दिया जाए तो महंगाई की शरह का अंदाजा लगाना भी अब मुश्किल है, खासतौर पर शेख खुर्दनोश की बात की जाए जो कि आम आदमी की जिंदगी के मामलात के हवाले से होती है, हर शख्स की जरूरत होती है, हर खास आम की जरूरत होती है, हर वो चीज जो आज आप और मैं इस्तेमाल करते हैं वो तमाम चीज शायद गुजशत साल या 2 साल के अंदर दुगनी तो हो चुकी होगी अगर ज्यादा फर्क ना आया हो तो। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद हुकूमती इकदाम क्या रहे, अगर हालिया 6-8 महीने की बात करें या 1 साल की हुकूमत की कारकर्दगी को देखें तो हुकूमत ने क्या करा, हुकूमत की कारकर्दगी आपको जरा बताते हैं। हुकूमत ने सबसे पहले अपने लिए कैसी हुकूमत का तयन किया जहां पे हुकूमत कौन कर रहा है इस बात का तयन भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, हुकूमत ने अपने तमाम तर केसेस माफ कराने के लिए नैब में बड़े पैमानों में तरामीम की, तरामीम से आखिर आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचा ये शायद इस हुकूमत के ही तर्जुमान बता सकते हैं। साथ में इस हुकूमत ने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में इलेक्शंस ना कराने के लिए कानून का जिस अंदाज से सहारा लिया और 90 डेज का राग हमने देखा लेकिन उसके बाद भी कुछ ना हुआ, तो ये भी हुकूमत की एक बड़ी काबिज थी कि एक निगरा हुकूमत पंजाब जैसे और KPK जैसे 2 बड़े सूबों में हमारे पास मौजूद है, इसके पास पता नहीं क्या मैंडेट और क्या नहीं। साथ में इस हुकूमत का भी एक कारनामा था कि एक ऐसे ऐवान में इस बजट को पास किया गया जहां पे टेक्निकली ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। एक और हुकूमत का कारनामा जो एक और बड़ी काविश है इस हुकूमत की के जो नाअहली के मामलात थे, हुकूमत ने उन नाअहली के मामलात को अब महदूद कर दिया और अब कोई भी ताहयात नाअहल नहीं होगा, नाअहली महज 5 साल तक महदूद होगी और जहां भी कानून खामोश इन्हें नजर आता है वो कानून को अपने रुख पे मोड़ने की भी इजाजत दी जा रही है। सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया जा रहा है और तमाम तर इख्तियारात
दूसरे इदारों को दिए जा रहे हैं, वही इदारे जिनको जब ये इलेक्शंस में हार जाते हैं तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मैनेजमेंट की सिलेक्शंस की और फिर एक सिलेक्टेड को लाके बिठा दिया गया। तो ये तमाम तरह हुकूमत इकदाम हैं जो इस हुकूमत ने किए, लेकिन हुकूमत का क्या इसमें होगा। और बजट की जब बात की जाती है तो बजट जिस अंदाज में पहले पेश किया गया, जो प्रपोज किया गया वो बजट, और अब जो बजट पास कराया गया उसमें बड़ी तब्दीलियां हैं। खासतौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए ईद से पहले तोहफा दिया गया कि आपकी तनख्वाह में जो टैक्स है उसकी शरह में इजाफा किया जाएगा, आपकी हर तमाम बिजली गैस पानी तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा कर दिया गया। ये था अवामी इकदाम इस अवामी हुकूमत का। आमिर साहब, एनीथिंग वेयर आई वेंट रॉन्ग, कोई स्टार्ट मैंने गलत कहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी एक टेक्निकली वजूहत हैं इस चीज की। देखिए, आपने फैसिलिटेट इस वक्त जो इस बजट में किया है वो आपने इलीट कैप्चर को किया है, जो हमारा पाकिस्तान का एक नया इंट्रोडक्शन आया दो, हम वी आर लुकिंग इट फॉर लास्ट 76 ईयर्स। और लेकिन अब जो ये बजट जो आया है इसमें मैक्सिमम जो है आपको ब्यूरोक्रेसी, आपको जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको बेनिफिट्स दिया गया है। मैं अगर कुछ ज़्यादा कहूँगा तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें जो हैं, एक क्या कहना चाहिए, कुछ हाथ ऐसे हैं जो इन चीज़ों को चला रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से अदालतें खुल जाती हैं। और अब ये किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि इलीट जो होते हैं उनकी वजह से रात को 12 बजे अदालत भी खुल जाती है और खाने काबा के दरवाजे भी खुल जाते हैं, और आम लोग जो हैं वो सिर्फ चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो ये कैप्चर जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे इसको, और ये आएगा यंग जनरेशन से, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एफिलिएटेड हैं कि हमारी इकोनॉमी अब तक डॉक्यूमेंटेटेड नहीं हुई। आपने कुर्बानी की बात की, क्या हमारी सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत या आपकी केपी की हुकूमत है, क्या स्लॉटर हाउस हम एक जगह नहीं बना सकते? दुनिया भर में सऊदी अरेबिया का आप मिसाल ले लीजिए, इन सब जगह का ले लें, एक पर्टिकुलर जगह पर अगर स्लॉटर हाउस बना दिया जाए शहर से बाहर और आप उसको एक पेमेंट करें ऑनलाइन, असल में मसला सारा यही है टैक्स का। आप जब जानवर बिकता है, आप उसका डॉक्यूमेंट करने नहीं चाहते। इकोनॉमी, इकोनॉमी इज द मेन रीजन पाकिस्तान के फेलियर का यही है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेटेड नहीं होती, डेटा कलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी का जो डेटा है वो शेयर वो नहीं करते, जब उनका आईटी का या उसके टॉप लेवल पे जाते हैं वो ले जाते हैं, नवाज शरीफ वाला जो डेटा होता है वो अपने, हमारी इकोनॉमी जब तक डॉक्यूमेंटेटेड प्रॉपर नहीं होगी देर इज नो चांस। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे जो मालूम है, मैं खुद भी बहुत काम कर रहा हूं इसके ऊपर स्टार्टअप्स में, इस वक्त मैं कहूंगा टॉप पे अकूवत कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो है, उनकी तमाम चैरिटी जो है दैट इज 100% और आई कैन से 200% इज डॉक्यूमेंटेटेड। आप उनके जाके वेबसाइट के ऊपर देखेंगे आपको पता चलेगा किसको घर दिया है किसको। लेकिन आमिर साहब सॉरी, आप कथा करामी कर रहा हूं, मुझे एक बात बताएं, इस पाकिस्तान में तकरीबन अभी 24 करोड़ की आबादी है और इसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि लाखों की तादाद में जानवर बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, कुर्बानियां होती हैं, और ये जो तमाम साइकिल है अरबों रुपए का साइकिल है। मुझे जरा ये समझा दें, जो अरबों रुपए का साइकिल है आपको कहीं भी किसी तौर पे ये डॉक्यूमेंटेड नजर आया? क्योंकि इस तमाम दर मामले में सारी जो डीलिंग होती है वो कैश की सूरत में होती है, वो ना डॉक्यूमेंट होता है, और आपको जब डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको अपनी इंडस्ट्री का अंदाजा कैसे होगा और फिर उसके ऊपर काम कैसे होगा, फिर आप उसकी टैक्स कलेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो फिर तो हुकूमत का माइंडसेट ही नहीं है ना कभी भी इस तरफ। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं विदाउट एफिलिएशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी आई कैन से सानिया नश्तर वो बेहतरीन काम पाकिस्तान के लिए कर रही थी आईटी इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने इस पर भी काम किया है जो मेरी नॉलेज में थी। आप स्लॉटर हाउस डिफरेंट एरिया में बनाए, मोबाइल जाहिल के पास भी है, आप उससे पेमेंट ट्रांसफर करें तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और आपको सर एक तरफ कदम तो बढ़ाएं, आज आप कदम बढ़ाएं, 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद हम अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे। जी बस, आज ये विल नहीं है, विल नहीं है ना सर, ये विल कहां से आएगी सर? हो रहा है तो कहां, वहां मरीज से आए ना जो कर रहे हैं, कहां से हो रहा है? दुनिया भर में हो रही है चीजें। आप सऊदीया की मिसाल लेते हैं, आप कतर की मिसाल लेते हैं, आप तुर्की की मिसाल लेते हैं, सर हम जहां की मिसाल ले लें वहां सब कुछ हो रहा है, तो हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है? वो भी तो यही दुनिया से है ना, अच्छा, वही उसी सिस्टम से है। अच्छा, मैं अच्छा नहीं जानते, सॉरी आपकी बात वो कर रहा हूँ।
देखिए वर्ल्ड बैंक से आता है पैसा, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, आपके पास कतर से आ रहा है, हर जगह से भीख मांग रहे हैं। हमें तो ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के, और हमें ये नहीं अंदाजा हो रहा कि वो भीख जा रहा है। सर आप देखे जिस तरीके से बोल रहे कि जहां जहां से ये पैसे आ रहा है, बाकी इसका कोई काउंटर चेक नहीं है, किसी को चेकिंग का वो अंदाज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज नहीं है। इसी तरह आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे और कराची के एनजीओस को आपको खुद नहीं पता होगा इतनी एनजीओस है और इस एनजीओस को कहां कहां से क्या क्या फंड मिलता है, तस्वीरें खिंचवा के सारी चीजें वो करके फिर वापस गिफ्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीजें करते हैं। मेरा आप देखते हैं कि मैं खुद प्रोग्राम करता रहा, मेरा वो तलख सवाल इसी वजह से कि आप अक्सर देखेंगे कि जो एनजीओस काम करें नो डाउट बहुत अच्छा है और ऐसे ऐसे काम है जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। कोरोना के हवाले से बहुत लाजवाब काम किया जिसने अपने आप को एक्सपोज भी नहीं किया, जिसने आपको शो भी नहीं किया। और मैं ये देखता हूं कि अक्सर मैंने देखा कि एक एरिए के अंदर एक जगह के ऊपर ये आठ आठ दस दस जगह पे क्यों होता है। अच्छा दूसरा एक और भी चीज आपने देखा कि उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मिसाल के तौर पे दस्तरखान है तो दस्तरखान ही लगे हुए, मिसाल के तौर पे लोगों को फंड बांटने का चक्कर है तो फंड। तो भाई आप चार पांच एक ऐसे एरियाज बना दे जिसके अंदर एजुकेशन के ऊपर हमारे यहाँ अरबों रुपए की चैरिटी होती है। अगर मैं इस अरबों रुपए की चैरिटी से एक बिजनेस जनरेशन या बिजनेस क्रिएशन मॉडल तैयार कर लूं और मैं कहीं ना कहीं इस तमाम तर वर्कफोर्स को उस धारे में ले आऊं तो क्या ही बेहतर ना होगा, हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूट कर सकें। आज हमारे जीडीपी का जो फोरकास्ट किया जा रहा है 3.5% हमने फोरकास्ट किया है जिसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। कैसे तरक्की करेगा सर? देखिए बात सारी ये कि हम एक एक की उस चाल के ऊपर ही चले जा रहे हैं कि हमें जो है इस मत के अंदर अगर हम इस चैरिटी को करेंगे तो यहां से ज्यादा फंड आएगा, हम अगर दूसरी चैरिटी की तरफ जाएंगे तो वहां फंड कम आएगा। तो लोगों ने अपना जो माइंड सेट किया हुआ वो अमूमन जो है हमारे माशरे का भी तो माइंड ना कि हम देखते हैं, वी बिलीव व्हाट वी सी। हम अगर कोई चीज अच्छा काम हो रहा है लेकिन अगर कोई दिखावा नहीं कर रहा, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन हम अगर फोटो सेशन नहीं हो रहे तो हम कहते नहीं नहीं हो ही नहीं रहा और इस वजह से शायद ये वजह सामने आती है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं। तस्करा हो रहा था पाकिस्तान में, इस वक्त जिस अंदाज से पॉलिसी साजी की जा रही है, इलेक्शंस की बात होती है, पॉलिसी की बात होती है, एक अगर परसेप्शन देखें तो कहीं ना कहीं नजर तो आता है कि जो तमाम तर काम हो रहे हैं वो एक साइड या एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हो रहे हैं लेकिन उमूमी तौर पर एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कोई खास काम नहीं किया जा रहा। आज चांद रात है और कल ईद का दिन है, कल ईद के दिन बहुत सी जगहों पर खुशियां मनाई जाएंगी लेकिन बहुत से सारे चेहरे इस बात के लिए मुंतजर होंगे कि क्या कुर्बानी का गोश्त उन तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन हमारे माशरे में डिस्पैरिटी होना एक फितरी अमल है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होना ये बहुत गैर फितरी अमल है। और जिस अंदाज से हमारे माशरे में ये डिस्पैरिटी अमीर और अमीर और गरीब का जो फर्क बढ़ता जा रहा है ये बहुत वाजे है, इसको सोसाइटी में बहुत ईजीली अब देखा जा सकता है। और जो ये फर्क जिस अंदाज से एक्सपेंड होता जाएगा और जितना टाइम ये सस्टेन करेगा ये फर्क हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ जाएगा, इसको हल कौन करेगा। माजी में आप बहुत सी मिसालें ऐसे ले लें जो लोग कहते थे कि हमने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ा, हमने लालटेन की रोशनी में पढ़े लेकिन आज वो पाकिस्तान के टॉप बिजनेस इलीट में उनका शुमार होता है। लेकिन वो माजी में ऐसा कल्चर था कि लोग उस वक्त उस मुश्किल वक्त से निकल के आगे बढ़ पाते थे। आज हम बात करते हैं तो लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती या सोसाइटी उनको अडेप्ट ही नहीं करती कि वो आगे बढ़ सकें और सोसाइटी की
मेन स्ट्रीम एक्टिविटी का हिस्सा बन सके। फैसल साहब आप ही से शुरू करते हैं, इस बिगाड़ को अब अगर बेहतर करना हो, मैं दो सवाल कर लेता हूं। माजी में दो साल पहले हमने देखा पनाह गाह का कॉन्सेप्ट था जो हुकूमत की तरफ से था, हुकूमत की तरफ से भी एक दस्तरखान का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट भी अब नई हुकूमत ने आते ही खत्म कर दिया। ऐसा क्यों होता है कि हम माजी के अच्छे कामों को खत्म कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन शायद कुछ और हो सकती है और हम उसमें मजीद बेहतरी की बात नहीं करते, हम नेगेटिव बात करते हैं। देखिए मुनीर भाई, पहले तो आपने एक बात कही कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जो है वो बच्चा पढ़ता तो बड़ा आदमी बन जाता था, अभी तो स्ट्रीट ही नहीं रही, लाइट की बात तो दूर की है। बात यह है बहुत कि ये पहले भी जो चीजें हुई ना, ये भी कहीं ना कहीं किसी वेलफेयर के साथ हुई थी, इदारे के साथ, किसी सामाजिक काम करने के वाले के साथ हुई थी, ये 100% हुकूमत की तरफ से नहीं थी, ठीक है ना। और इस कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिये आपको 100% ओन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप सामाजिक काम करने वाले लोग जो है ना, वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट्स जो होती हैं ऐसे अपने चैरिटी इदारों के साथ, वेलफेयर इदारों के साथ एक कोलैबोरेशन करते हैं, पब्लिक प्राइवेट अपने क्या नाम है, इस तरह की चीजें आती है, बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप पहले बेरोजगार कर दो, फिर रोजगार स्कीम लेकर आओ, भूखा मार दो, फिर उसके बाद जो है वो दस्तरखान लेकर आओ, उनको बेघर कर दो, पनाह गाहें लेकर आओ। भाईजान बात ये है, इससे वोट मिलता है ना सर, तो बस फिर वोट के लिए ही होगा सारा सब कुछ। और नोट हो किसके लिए रहा है, वो किसके लिए रहा है, मैं सर ये बता रहा हूं। देखें कुछ देखें, कोई मना नहीं है, वोट के लिए करें, ये वोट देने कौन जा रहा है, आवाम जा रही है ना। आप आवाम को फैसिलिटेट तो करें, दुनिया भर में भी जो लोग वोट देने जाते हैं वो भी तो आवाम ही जा रही है ना। लेकिन क्या है, आपके कामों के ऊपर, चीजों के ऊपर बेहतर से बेहतर, नहीं यार इसने अच्छा काम किया था मैं इसको वोट दूंगा, नहीं यार ये सही तरीके से काम नहीं कर सका था इस दफा मैं इसको चांस नहीं दूंगा। भाई यहाँ पे वोट वाली तो कहानी नहीं है, आपने भी ठप्पे जो है, नोट वाली कहानी, या ठप्पे जो है आपने भी तो एक्सपोज किए है ना बॉस। तो बस बात यह है, यहाँ पे कोई काम भी अवामी नहीं है, यहाँ पे कोई काम भी अवाम के लिए नहीं है। जितनी चीज है इलीट क्लास, इलीट क्लास, ये इलीट क्लास से भी अब ऊपर की चीज चली गई है, इलीट क्लास भी बड़ा परेशान हो गया बॉस। इंडस्ट्रिया अच्छा। उनकी बंद कर रहे हो आप, उनके काम बंद कर रहे हो, एलसीया नहीं खुल रही है। देखिए मैं तो मेरा तो अपने उससे है ना, एलसीया नहीं खुल रही है। और आप, मैं आपको एक बात बताऊं, रशिया से आपने तेल मंगा लिया, ठीक है ना, तेल निकल गया वहां का, जो जो रशिया की एलसीया खुल रही खुलनी थी वो तो आप खोल नहीं रहे हो। रशिया से आपने तेल मंगा लिया, सिर्फ वो सिर्फ दिखावे का तेल, 178 रुपए लीटर आपको जो है वो वहां से मिलता है, अपने सऊदीया से मिलता था, आपने 177 रुपए लीटर जो है वो रशिया से मंगा लिया, 15 दिन में जो है वो सऊदीया से आता था, ये आपने 30 दिन में मंगा लिया। वहां की स्पेसिफिकेशन चेंज है, यहाँ की स्पेसिफिकेशन चेंज है, फिर आपने उसके अंदर किसके अंदर किया काम, आरएमबी के अंदर काम किया। सर चले वो रशिया का तेल आएगा, उम्मीद करते हैं आवाम का तेल, तेल हो गया, तेल 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 हो गया, सलीम भाई आवाम का जो है ना, क्योंकि तेल निकल गया वाकई, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला सारा के सारा लबोलुबाब अभी भी यही आता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि पॉलिसी 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 आने के बाद उस पर अमल पैरा कैसा किया जाएगा, उसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। देने वाला, पॉलिसी देने वाला, जहां भी पॉलिसी बनती है, जो भी सारी चीजें, अवाम अवाम को तो जैसे ये कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से बिरयानी की प्लेटों के अंदर अवाम के वोट बिक जाते हैं, इसी तरह नोटों के तवस्सुत से अवाम के वोट बिक जाते हैं, तो फिर इसका तो हल ही नहीं है ना। बस ये खामोशी से ये अवाम भुगतते रहे अपने आप को, कम से कम होती जाए मायूसी की इस फजा को देखो आगे की तरफ लेके जाना, इसका हल जो है मेरी नजर के अंदर
था, जिस तरीके से मैं कहता हूँ हमेशा अपने प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूँ कि इसका हल अगर हम हुकूमती सतह के ऊपर बोलते कि यार ये हुकूमत को करना है, फला काम करना है, फला काम करना है, फला काम करना, जिस तरीके से ये काम नहीं हो रहे, जिस तरीके से हमारी NGO, नो डाउट इट्स अ वेरी बहुत ऐसी NGOs है जिसके काम इतने ज़बरदस्त है कि जिनको जितनी भी पजीराई दी जाए वो कम नहीं है। इसी हवाले से अब मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता साल दो साल से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग IT के ऊपर काम करना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू हो गए। जिस तरह अभी गवर्नर साहब ने बोला कि मेरे यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर लिया है, जिस तरह जमात इस्लामी नाम में लेके बोलूंगा कि इतने लोगों को जो है अवेयरनेस के हवाले से IT की तरफ मूव करी कि भाई अब ये लोग जो है अपनी उस हवाले से, ये जो मैं कह रहा हूँ दस्तरखान नो डाउट ये बिल्कुल जहाँ पॉजिटिव वे पे बहुत अच्छा, लेकिन अगर नेगेटिव वे पे भी देखो मछली पकड़ना सिखाएं। हाँ, मछली चाइनीज मिसाल है, ये चाइनीज सर ओवर द ईयर सर नहीं नहीं चाइनीज मिसाल है। आज चाइना जो है ना दुनिया का लीडर है, इसलिए चाइनीज मिसाल मत दीजिए, सही है ना। बात ये है कि ये काम हुकूमत अगर इंडस्ट्री लगाने की बात है, आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ 5 से 6 अपने जो है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, 5 से 6 अपने सामाजिक काम करने वाले, भलाई काम करने वाले आपके साथ बिठा दूंगा। आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री लगानी है और कौन सा रोजगार देना है। अरे जिनकी चल रही है उनके भी चलने दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इस पर काम करना है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे उसके उसकी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ साहब, देखें हमने सारी बात की, अब इकोनॉमी हम रिवाइवल कैसे कर सकते हैं, इकॉनमी पाकिस्तान की रिवाइवल कैसे हो सकती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे काम करें। पूरा प्रोजेक्ट सामने है, इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक फेलियर्स की तरफ जा रहा है वो IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की तरफ जा रहा है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि पाकिस्तान IPPs कौन से वाले, वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स वो इस्तेकाम पाकिस्तान, नहीं 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 वो इस्तेकाम है पाकिस्तान वो दोनों IPPs हैं। अच्छा नहीं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। अच्छा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हाँ वो भी इंडिपेंडेंट है, हो सकता है वो डिपेंडेबल है, नहीं नहीं वो डिपेंडेबल है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप अंदर से प्रोवोक कर रहे हैं तो फिर मैं बहुत सारी बातें बोल, इसलिए आप जो बोलना चाहें। अच्छा IPPs की अगर ऑडिटिंग हो जाए पाकिस्तान में, प्रॉपर ऑडिटर्स आके कर ले, तो IPPs से हम वर्ल्ड बैंक का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। दैट आई एम चैलेंजिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू आप इस प्रोग्राम में नॉट ओनली IPPs सब जगह होना चाहिए, ऐड कर ले जो आपके गवर्नमेंट के वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके वाइट टेलीफोन सब जगह ऐड होना चाहिए। 50 बिलियन एक एक IPP ने एक्स्ट्रा कमाया, ऑडिट भी कौन करे, नहीं नहीं ऑडिट आप फॉर्म्स हैं अभी भी, ऑडिटर्स पे भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। हमारे जमाने में और ऑडिट होता था, दूसरी तरह का आप ऑडिट की रिपोर्ट पहले आ जाती है, मैंने हम सबसे पहले रिवाइवल का करें, आप स्टील मिल को रिवाइव करें, आप इसको IPPs का ऑडिट करके स्टील मिल हो गया नहीं, ये तो देखिए हम कुछ चीजें अच्छी भी कोशिश करने के इस मुल्क के लिए, ये तो रमजान में हुआ इसीलिए अब तक चल रहा है, ये रमजान में मिला था ना इसीलिए अब तक चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रमजान में पड़े हुए हैं, आप इनके साथ प्राइवेट कोलैबोरेशन करें, आप इनको इंपावर करें, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ। मुश्किलात हर बार आती हैं, हर कड़े दौर से पाकिस्तान गुजरा है, माजी में इससे कड़ा वक्त भी आया और हमने देखा कि 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, उसके बाद भी पाकिस्तान कायम दायम रहा। हाँ ये बात का दुख जरूर है कि हमने अपना एक हिस्सा जरूर खो दिया जो कि आज बांग्लादेशी सूरत में हमें नजर आता है, और वो आज हमसे बेहतर नजर आता है। क्यों बेहतर नजर आता है ये बात हम सब जानते हैं और शायद हम कह नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है जो कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में एक ऐसी चीज पैदा कर दी गई है कि हम अच्छा काम जो कर रहा हो या अच्छा काम जहां हो रहा हो
वहां पे हम फौरन से टांगे खींच देते हैं। पॉलिसी मेकिंग की बात हुई इस प्रोग्राम में, पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी जब पॉलिसी डिजाइनर ही उसको इस बात का यकीन ना हो कि उसकी अपनी जगह कब तक बाकी है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में ऑडिट की बात हुई, अगर ऑडिट इस मुल्क में सही तौर पर हो जाए तो यकीन माने ऐसे बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिसके बारे में आप और हम बहुत कुछ बेहतर सोचते हैं, मुस्बत सोचते हैं, शायद हमारी सोच तब्दील हो जाए या हमें मुस्बत सोचने के ऊपर से एतमाद ही उठ जाए। और जो पाकिस्तान में जो इस माशी बहरान है, ये माशी बहरान भी ठीक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऐसी हुकूमतें जिनके पास क्लियर मैंडेट नहीं होते वो एक कॉम्प्रोमाइज बजट देती हैं और वही इस वक्त नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।